इलिनॉय के वीटन में 1937 में ग्रोट रेबर नाम के एक 26 साल के इंजीनियर ने विश्व का पहला डिश एंटीना रेडियो टेलीस्कोप बनाया था। ये रेडियो टेलीस्कोप स्पेस में किसी भी न्यू स्टार सिस्टम की फॉर्मेशन या उनके एक्सप्लोजन से एमिट होने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और इन रेडियो वेव्स के डाटा को सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ऐसी इमेजेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है जो कि डिफरेंट कलर्स से उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि टेम्परेचर, डिस्टेंस और स्ट्रेंथ ऑफ वेव्स को शो करती है। इन इमेजेस की मदद से हम ऐसी स्पेस की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं जो अदरवाइज हमें विजिबल नहीं होती हैं।